दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारी रिंग फ्रेम मशीन होती है, तो किसी भी रिंग फ्रेम मशीन का कॉमन स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। तो गाइस आज मैं आप सभी लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ रिंग फ्रेम मशीन। गाइस पहले तो मैं आपको ये स्केच है इसके माध्यम से दिखाता हूं कि किसी भी रिंग फ्रेम मशीन के अंदर जो यान का पेसेज होता है वो किस तरीके से होता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है रिंग फ्रेम प्रोसेस का, तो आप इस डायग्राम की सहायता से आसानी से समझ पाएंगे कि आपके रिंग फ्रेम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और जो पेसेज ऑफ यार्न होता है वो क्या होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपकी जो रोविंग होती है जो सिंप्लेक्स फ्रेम से मिलती है वो आती है आपकी यहाँ पे, और ये आपका ड्राफ्टिंग सिस्टम है। यहाँ पे कई सारे रोलर्स लगे होते हैं और इसके बाद में ये यहाँ पे आता है। तो ड्राफ्टिंग होके क्या होता है कि जो आपकी रोविंग होती है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब आपके फाइबर स्ट्रेंथ के अंदर नंबर ऑफ फाइबर्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आता है वो किसमें आता है, ट्रेवर्स गाइड में आता है। तो जो ट्रेवर्स गाइड होती है इसके बाद में आपका आता है जो आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये ट्रेवलर है और ट्रेवलर से फिर वो आपके जो रिंग बॉबिन होती है उस पर बाउंड होता है। तो ये रिंग बॉबिन है जिसपे धागा बाउंड हो रहा है, और गाइस ये है आपकी रिंग होती है। तो देख सकते हैं ये रिंग होती है, तो ये रिंग के ऊपर ये जो ट्रेवलर है ये रोटेट करता रहता है। और गाइस ये है आपकी रिंग बॉबिन, तो ये स्पिंडल पे माउंट होती है, ये आपका स्पिंडल है। तो गाइस अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किसी भी रिंग फ्रेम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो गाइस देखते रहिए मेरे वीडियो को अंत तक। सिंप्लेक्स फ्रेम या रोविंग फ्रेम से मिलने वाले रोविंग को हम रिंग फ्रेम में एज ए फीड मटेरियल यूज करते हैं। तो गाइस जो हमारे रोविंग बॉबिन होते हैं उनको हम क्रील में लगे हुए बॉबिन होल्डर पर माउंट करते हैं। जो हमारी क्रील होती है वो हमारे रिंग फ्रेम के टॉप में लगी होती है। तो गाइस आपका जो क्रील के अंदर बॉबिन होल्डर लगा होता है उस पर जब आपकी रोविंग बॉबिन माउंट हो जाती है तो उसके बाद वो सबसे पहले गाइड वायर से पास होती है। तो गाइड वायर से जब वो पास होती है तो वो हमारा गाइड वायर आपकी रोविंग को ड्राफ्टिंग सिस्टम की ओर भेजता है। और गाइस जो हमारी क्रील होती है उसके अंदर एक ऑटोमेटिक रोविंग ब्रेक स्टॉप मोशन लगा होता है। तो क्या होता है गाइस कि जैसे ही हमारी कोई भी रोविंग ब्रेक होती है तो जो हमारा स्टॉप मोशन होता है वो तुरंत हरकत में आता है और आपकी मशीन के उस विशेष स्पिंडल को बंद कर देता है जहां पर आपकी रोविंग ब्रेक हो जाती है। गाइस अब आपकी जो रोविंग होती है गाइड वायर के बाद में वो सीधा आपके ड्राफ्टिंग जोन में एंटर करती है। तो ड्राफ्टिंग जोन के अंदर आपके ड्राफ्टिंग रोलर्स लगे रहते हैं और ये जो आपके ड्राफ्टिंग रोलर होते हैं वो डिफरेंशियल स्पीड पे घूमते हैं। डिफरेंशियल स्पीड का मतलब हमारा ये है कि जो आपके बैक ड्राफ्टिंग रोलर होते हैं उनकी स्पीड जितनी होती है उससे ज्यादा आपकी मिडिल के जो ड्राफ्टिंग रोलर होते हैं उनकी स्पीड होती है, और सबसे ज्यादा स्पीड होती है आपके जो फ्रंट ड्राफ्टिंग रोलर होते हैं उनकी होती है। इस ड्राफ्टिंग जोन के अंदर जो आपका रोविंग होता है या आपका जो भी मटेरियल होता है उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, वहां पे आपकी जो रोविंग होती है उसकी लंबाई कई गुना बढ़ जाती है। इस ड्राफ्टिंग जोन के अंदर हम ड्राफ्टिंग रोलर की सहायता से अपने मटेरियल की जो वेट पर यूनिट लेंथ होती है उसको हम डिजायर्ड लिमिट तक घटा देते हैं। जो हमारे ड्राफ्टिंग रोलर्स होते हैं उनके ऊपर एक लोडिंग अरेंजमेंट लगा होता है, और जो हमारे ड्राफ्टिंग रोलर्स होते हैं उनके अंदर जो लोडिंग सिस्टम होता है वो तीन प्रकार का होता है, और उनमें से पहला जो लोडिंग सिस्टम होता है वो स्प्रिंग लोडेड होता है, और दूसरा सिस्टम होता है वो न्यूमेटिक प्रेशर लोडिंग सिस्टम होता है, और तीसरा जो लोडिंग सिस्टम होता है वो मैग्नेटिक प्रेशर लोडिंग सिस्टम होता है। तो गाइस जब हमारा मटेरियल ड्राफ्ट हो जाता है जितना हमें आवश्यकता होती है उसके बाद में ये पास होता है आपके ट्रेवलर से। तो ट्रेवलर क्या होता है कि आपके जो रिंग होती है तो रिंग के ऊपर वो नेगेटिवली रोटेट करता रहता है
और रोटेट कहाँ करता है, जो आपकी स्पिंडल घूम रही होती है या बॉबिन घूम रही होती है उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहता है, और वो रोटेशन की स्पीड होती है ट्रेवलर की बहुत ज्यादा होती है। और ये जो ट्रेवलर होता है इसका काम होता है कि अपने यार्न को ट्विस्ट देना, मतलब आपको जितना ट्विस्ट यार्न में चाहिए होता है टर्न्स पर इंच वो ये ट्रेवलर देता है। और गाइज जो यार्न आपका स्पन हो गया, स्पन होने के बाद में उसमें ट्विस्ट पड़ गए, तो ट्विस्ट पड़ने के बाद में साथ साथ वो क्या होता है कि रिंग वॉबिन के ऊपर वाइंड होता रहता है, और ये जो रिंग वॉबिन होती है वो एक स्पिंडल पे माउंट होती है, जो हमारी रिंग होती है उसके ऊपर एक ट्रेवर्स गाइड अटैच होती है, तो ये ट्रेवर्स गाइड आपके यार्न को अप एंड डाउन मूवमेंट देने में काम आती है, और ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है वो आपके वॉबिन के साथ होता है, मतलब धागे को ऊपर ले जाना वॉबिन के टॉप एंड तक, फिर धागे को नीचे ले जाना बॉटम एंड तक, तो यही इस ट्रेवर्स गाइड का काम होता है। इस ट्रेवर्स गाइड का गैस काम होता है कि जो हमारी वॉबिन बन रही है वो यूनिफॉर्म बने, और ये जो ट्रेवर्स गाइड होती है ये आपके यार्न को अनवाइंडिंग के दौरान एंटेंगल होने से भी रोकती है जब आपकी वॉबिन अनवाइंड की जाती है। और ये जो हमारी ट्रेवर्स गाइड होती है तो इसका अप एंड डाउन मूवमेंट एक केम की सहायता से कंट्रोल किया जाता है, और जो हमारा स्पिंडल होता है वो एक वेल्ट की सहायता से घूमता है, तो वो वेल्ट आपकी पावर शाफ्ट से कनेक्ट होती है। जो हमारे स्पिंडल्स होते हैं वो हमारे फिक्स रेल पे माउंट होते हैं, और जो हमारी रिंग के ऊपर ट्रेवर्स गाइड लगी होती है वो एक मूवेबल रेल के ऊपर माउंट होते हैं, और ये जो हमारी रेल होती है जिसके ऊपर ट्रेवर्स गाइड माउंट होती है तो उसका जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है वो एक केम की सहायता से परफॉर्म किया जाता है। और गाइस जो हमारे कन्वेंशनल टाइप के जो रिंग फ्रेम होते हैं उनके अंदर पूरी की पूरी मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिंगल मोटर का यूज किया जाता है, और ये जो सिंगल मोटर होती है एक शाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो हमारा रिंग फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो गाइस देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, इससे क्या होगा मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।